अरे यार, रिचार्ज में देरी हुई ना तो जेब खाली हो सकती है। देखो भाई, जियो और एयरटेल ने तो अपने प्लान्स महंगे कर दिए हैं। जियो के नए रेट्स तो 3 जुलाई से ही लग जाएंगे, वो भी 12 से 27% तक बढ़े हुए। अब सबसे छोटा रिचार्ज 19 रुपए का होगा, पहले तो सिर्फ 15 रुपए में मिलता था। सालाना प्लान्स भी महंगे हो गए, जैसे 1559 वाला प्लान अब 1899 में पड़ेगा। एयरटेल भी कहां पीछे रहने वाला है, 3 जुलाई से उनके प्लान्स भी 10 से 21% तक महंगे हो जाएंगे। 179 वाला प्लान अब 199 में मिलेगा और 455 वाला 509 में। दोस्तों, अगर इन बढ़ी हुई कीमतों से बचना है तो 3 जुलाई से पहले पहले अपना रिचार्ज करवा लो। नए टैरिफ की पूरी लिस्ट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लो। तो दोस्तों, आप सभी ने इंट्रो में तो सुन ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसी दुख भरी खबर लाए हैं, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इतना ही ज्यादा जरूरी है, आपके अपने प्यारे चैनल इंटरेस्टिंग टैक 4VI को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से क्या पता यह टेलीकॉम कंपनी वाले अपनी लाइन में आ जाएं। चलिए, बातें तो चलती रहेंगी, आते हैं काम की बात पर। इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव की खबरों से हंगामा मचा हुआ है। रिलायंस जियो, जो अपने सस्ते प्लान्स के लिए मशहूर है, ने अपने मोबाइल प्लान्स के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। ये नया दाम 3 जुलाई 2024 से लागू होंगे। ये खबर बहुत लोगों के लिए चौंकाने वाली है, खासकर इसलिए क्योंकि जियो ही वो कंपनी थी जिसने इंडिया में मोबाइल डेटा को सस्ता बनाया था। इसी बीच जियो की सबसे बड़ी कंपेटिटर भारतीय एयरटेल ने भी अपने दामों में बढ़ोतरी कर दी है। इन दोनों कंपनियों के ऐलान से साफ है कि टेलीकॉम के मैदान में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका असर कस्टमर्स और पूरी इंडस्ट्री पर पड़ेगा। जियो के नए प्लान्स में मोबाइल सर्विस के दाम बाज गए हैं, जिसका असर सभी यूजर्स पर पड़ेगा। हालांकि अलग अलग प्लान्स में बढ़ोतरी का प्रतिशत अलग अलग है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि औसतन दाम 15 से 20% तक बाज आ सकते हैं। जियो पहले सस्ते डेटा पैक देकर कस्टमर्स को अपनी ओर खींचता था, लेकिन अब कंपनी ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। हालांकि कंपनी का कहना है कि नए दामों से उसके ऑपरेशंस लंबे समय तक चलते रहेंगे और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जारी रखने में मदद मिलेगी। इस घोषणा में एक और उलझन जियो के 5G डेटा ऑफर में बदलाव है। शुरुआत में कंपनी ने अनलिमिटेड 5G डेटा देने का वादा किया था, लेकिन अब रिवाइज्ड प्लान्स में कुछ सीमाएं लगा दी गई हैं। हालांकि अभी तक ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि एक निश्चित डेटा सीमा के बाद अनलिमिटेड 5G एक्सेस पर फेयर यूसेज पॉलिसीज या स्पीड थ्रॉटलिंग लागू हो सकती है। इस कदम ने इंडिया में 5G सर्विस की असली अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी पर बहस छेड़ दी है। दामों में बढ़ोतरी का असर समझने के लिए आइए बदलाव से पहले और बाद के कुछ पॉपुलर जियो प्लान्स की तुलना करते हैं। उदाहरण के लिए 199 रुपए वाला प्लान, जो 28 दिनों के लिए 2GB रोजाना डेटा देता था, अब 249 रुपए का हो गया है। इसी तरह 299 रुपए वाला प्लान, जो 28 दिनों के लिए 2GB रोजाना डेटा और अतिरिक्त लाभ देता था, अब 379 रुपए का हो गया है। ये मामूली से दिखने वाले दामों में बढ़ोतरी लाखों जियो यूजर्स के खर्च करने की आदतों को प्रभावित कर सकते हैं। धमाकेदार ऐलान के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स की चिंताओं को दूर किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि टेलीकॉम सर्विसेज देने में बढ़ती लागत के कारण दामों में बदलाव जरूरी हो गया था। अंबानी ने बताया कि इन्फ्लेशन, स्पेक्ट्रम की ऊंची कीमतें और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर 5G रोल आउट के लिए भारी निवेश की जरूरत, ये सब मिलकर दाम बढ़ाने के मुख्य कारण बने हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री इस घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए है और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इसका असर कॉम्पिटिशन पर भी पड़ेगा। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि जियो के इस कदम से एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को राहत मिलेगी
जो जियो के सस्ते प्लान्स का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। हालांकि कुछ लोग चेतावनी देते हैं कि अगर कंपेटिटर्स ने दाम नहीं बढ़ाए तो लॉन्ग रन में जियो के मार्केट शेयर पर असर पड़ सकता है। जियो के नक्शे कदम पर चलते हुए एयरटेल ने भी अपने दाम बढ़ा दिए हैं, जिससे ये अटकलें और तेज हो गई हैं कि क्या टेलीकॉम प्राइस वॉर में कोई समझौता हुआ है। इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियों का एक साथ ये कदम मार्केट को स्थिर करने और मुनाफा सुनिश्चित करने की इच्छा को दर्शाता है। हालांकि ये देखना बाकी है कि क्या इससे मार्केट पर राज करने की जंग में थोड़ी शांति आएगी या ये सिर्फ एक अस्थायी ब्रेक है। इंडिया के आम मोबाइल फोन यूजर के लिए जियो का दाम बढ़ाना एक दुविधा की स्थिति पैदा करता है। कुछ लोगों के लिए भले ही दामों में बढ़ोतरी मामूली सी लगे, लेकिन इसका असर प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के बजट पर पड़ सकता है, खासकर ऐसे देश में जहां ग्रामीण आबादी काफी ज्यादा है। 5G प्लान्स के बारे में लिमिटेड जानकारी ने भी लोगों को कंफ्यूज्ड कर दिया है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस का असली खर्चा कितना होगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री में दामों के उतार चढ़ाव को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण पहलू 5G टेक्नोलॉजी का रोल आउट है। एक मजबूत 5G नेटवर्क बनाने और उसे मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जिसका असर आखिरकार यूजर्स को ही भुगतना पड़ता है। हालांकि 5G ज्यादा स्पीड और बेहतर कनेक्टिविटी का वादा करता है, लेकिन इसकी अफोर्डेबिलिटी एक बड़ी चिंता का विषय है, खासकर शुरुआती दौर में। जियो का दाम बढ़ाना इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह सवाल खड़ा करता है कि आगे सस्ते डेटा का क्या होगा, 5G सर्विस कितनी सुलभ होगी और पूरी इंडस्ट्री में कंपटीशन का क्या भविष्य होगा। जैसे जैसे यूजर्स नए दामों के साथ एडजस्ट होंगे और टेलीकॉम ऑपरेटर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की चुनौतियों का सामना करेंगे, आने वाले महीने इंडिया में कम्युनिकेशन के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।